हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। यस, कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा आवाज अगर क्लियर आ रहा होगा तो थम्स अप कर दो जल्दी से। चलो, वेरी गुड। हेलो 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 एवरीवन, गुड इवनिंग। जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर करो अपने दोस्तों तक। मैं एकदम मस्त हूँ, परफेक्ट। ओके, वेरी गुड। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय गवाए। कल हम लोगों ने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने सिनॉप्सिस देखने के बाद 10-12 कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अभी हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इस पे, ताकि आपकी चैप्टर पर अच्छी होल्ड आ जाए। चलो, वेरी गुड। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये हम लोगों ने कल सिनॉप्सिस देख लिया था, तो हम लोग जंप करेंगे हमारे क्वेश्चंस के ऊपर डायरेक्टली। यस, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन जो हमने कल देखा था। देन चलो अभी अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं हम लोग। देखो, वापस एक लॉजिक गेट पे क्वेश्चन आया है यार, वापस क्वेश्चन लॉजिक गेट पे आया है। चलो ध्यान दो अभी फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, कमेंट्स पर ध्यान नहीं देना है। कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो क्या बोला है, इन द फॉलोइंग डिजिटल लॉजिक सर्किट द आउटपुट वाई विल बी वन। अच्छा, ये फिक्स है, उन्होंने फिक्स कर दिया है कि आउटपुट वन आने वाला है इस लॉजिक सर्किट में। तो उसने बोला है इनपुट्स क्या क्या होंगे, अभी वैल्यूज रखकर ही चेक करना पड़ेंगे इनपुट्स। तो फास्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहले ए जीरो है, बी भी जीरो है, ए जीरो बी जीरो, ए जीरो बी जीरो। अभी ये जीरो जीरो है, ये कौन सा गेट है, ये एंड गेट है, उसके सामने नॉट लगा हुआ है। ये और गेट है, उसके सामने नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना, जीरो जीरो का एंड गेट में जीरो ही होता है, बट नॉट गेट की वजह से वन आएगा, इधर वन आएगा। यहाँ पे जीरो का वन हो जाएगा, ये जीरो ही रहेगा। जीरो और वन का और गेट में वन आता है, बट इधर जीरो हो जाएगा। देन ये वापस से और गेट है नॉट गेट के साथ, तो वन जीरो का वन आता है, बट इसका आउटपुट जीरो मिलेगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन का आउटपुट जीरो मिल रहा है, लेकिन हमें आउटपुट जीरो नहीं चाहिए, हमें आउटपुट वन चाहिए। तो वापस हम लोग सेकेंड ऑप्शन ट्राई करेंगे। सेकेंड ऑप्शन ट्राई कीजिए, जीरो वन, ये जीरो, ये वन, ये जीरो, ये वन। जीरो वन का एंड गेट में जीरो होता है, बट नॉट के वजह से वन हो जाएगा, तो ये वन आगे जाएगा। जीरो का यहाँ पर नॉट गेट की वजह से वन हो जाएगा, वन वन। और गेट में वन वन का वन आता है, बट नॉट गेट की वजह से जीरो आएगा। वन जीरो का और गेट में वन आता है, बट नॉट गेट की वजह से जीरो आ जाएगा। मतलब हमारा ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा, ऑप्शन बी का भी आउटपुट जीरो ही आ रहा है। चलो, तो अभी हमें जंप करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी के ऊपर। चलो फास्ट ऑप्शन सी देखो, वन जीरो, वन जीरो, वन जीरो, वन का इधर जीरो हो जाएगा, ये जीरो, जीरो जीरो का और गेट में जीरो, बट नॉट की वजह से वन हो जाएगा। चलो कहां तक आए थे, जीरो जीरो का और गेट में जीरो होता है, बट नॉट गेट की वजह से वन आ जाएगा। वन जीरो का एंड गेट में होता है जीरो, बट नॉट की वजह से वन आ जाएगा। देखो देन आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये वन आ चुका है, वन जीरो का एंड गेट में जीरो आता है, नॉट की वजह से वन आएगा। वन वन का और गेट में आता है वन, लेकिन नॉट की वजह से जीरो हो जाएगा। तो इसका भी आउटपुट भाई जीरो ही मिल रहा है, मतलब हमें एक ही ऑप्शन बचा है अभी, ऑप्शन नंबर डी। और कोई ऑप्शन नहीं था यार, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो समझ में आया? यस, बहुत बच्चों ने आंसर किया है ऑप्शन डी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अभी मैंने सॉल्व नहीं किया ऑप्शन डी, सॉल्व करूं तो आंसर मिल जाएगा, बट क्यों टाइम गवाना है, हमें कॉन्फिडेंस है खुद पर कि हमारे पहले तीन ऑप्शंस गलत है। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं हम लोग इसे, क्या कहते हैं हम लोग इसे, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। चलो
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग. इन विच फिगर द जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस कब होता था? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव को और एन टाइप निगेटिव को जोड़ दिया जाए. ये पॉजिटिव नहीं, ये निगेटिव नहीं, ये जीरो ये वन ना, ये जीरो और ये वन हो सकता है, ये जीरो ये वन हो सकता है. ठीक है, देखो ये माइनस माइनस था तो ये भी नहीं होगा, ये प्लस ये माइनस नहीं. लेकिन यहां पे देखो आपको कोई ऑप्शन में ऐसे प्लस माइनस नहीं मिल रहा है तो क्या होता है? फिर क्या करेंगे सर? फिर एक ही ऑप्शन है, पी साइड पॉजिटिव को ना हो तो दूसरा ऑप्शन होता है हायर पोटेंशियल को चाहिए. क्या चाहिए? पी साइड हायर पोटेंशियल को और एन साइड लोअर पोटेंशियल को. मतलब यहां पे प्लस माइनस वाला फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा है. यहां पे लोअर को है और इधर हायर है तो ये नहीं होगा. इधर हाँ ये हायर है और ये लोअर है, ये हायर है ये लोअर है, माइनस में वैल्यू पता है ना नंबर लाइन, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी. इधर भी ये लोअर है, इधर हायर है नहीं, इधर भी ये लोअर है, इधर ये हायर है नहीं. तो हायर लोअर पोटेंशियल हम लोग देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा. यस, क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? चलो बढ़ेंगे आगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग एलईडी. एलईडीज आर एनर्जी इफिशियंट. रॉन्ग चाहिए, रॉन्ग मतलब गलत, गलत चाहिए. ये सही है, एलर्जी एलईडी एनर्जी इफिशियंट होते हैं, ये हमें पता है. ब्राइटनेस ऑफ एलईडी, लाइट इमिटेड बाय एलईडी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. ब्राइटनेस कंट्रोल नहीं कर सकते एलईडी की. कर सकते हैं ना यार, कितने वाट का एलईडी बल्ब लाना है घर पे, या आपके हाथ में है. एलईडी का ब्राइटनेस कंट्रोल किया जा सकता है. वो बोल रहा है कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, गलत है, गलत है, यहां पर ही मिल चुका है. देन एलईडी से लॉन्ग लाइफ टाइम इफ प्रॉपरली मैन्युफैक्चर्ड. करेक्ट, डायरेक्ट सेंटेंस उठाया था बुक से. कलर्स प्रोड्यूस बाय एलईडी डू नॉट फेड आउट. फेड आउट नहीं होता, ऐसे बोला है. फेड आउट होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कलर्स फेड आउट होता है. ठीक है, यस, बी ऑप्शन करेक्ट है. जिन्होंने भी बी बताया है, वेरी गुड. चलो बढ़े आगे. चलो देखो क्या बोला है. द फॉलोइंग लॉजिक गेट कॉम्बिनेशनल इज इक्विवेलेंट टू. ये लॉजिक गेट जो कॉम्बिनेशनल है, ये किसको इक्विवेलेंट है? किसको इक्विवेलेंट है? कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो ये कौन सा गेट है? ये और गेट है. ठीक है, ये कौन सा गेट है भाई? ये और गेट है. ये कौन सा गेट है? ये एंड गेट है. गेट्स के नाम ये और है, ये एंड है, और ये लास्ट में जो लगा है ये भी एंड है. मतलब आपको जो वाई आउटपुट मिल रहा है वो एक और गेट. और गेट में क्या क्या मिल रहा है? ए और बी मिल रहा है आपको और गेट में. और यहां पे ये नॉट भी लगा हुआ है, एंड प्लस नॉट लगा हुआ है यहां पर. करेक्ट है. वाई मतलब क्या मिल रहा है? देखो और गेट में इधर ए ही जाएगा, इधर बी जाएगा, इधर ए जाएगा, इधर बी जाएगा. और मतलब होता है ए प्लस बी. ये एक एज अ इनपुट जा रहा है आउटपुट के लिए. देन इसका नांड गेट फाइनल तो एंड है तो डॉट, और ये नांड गेट है. ए डॉट बी कर दो पहले, देन उस पर बार दे दो. सिंपल है, क्लियर होगा क्या? देन कल मैंने आपको, कल का लेक्चर जिन्होंने किया होगा, डी मॉर्गन्स लॉ जैसा एक चीज बताया था. क्या बताया था? डी मॉर्गन्स लॉ. क्या वाला है? बी और सी सेम, देखते हैं ना. बी और सी सेम है तो एक को नॉर गेट कर देंगे हम लोग, देखते हैं ना क्या आएगा ऑप्शन. ठीक है ना, टेंशन मत लो. चलो ध्यान दो, इसे सॉल्व करो यार. ए प्लस बी को ऐसे ही रखो, डॉट ब्रेक द लाइन चेंज द साइन. लाइन ब्रेक कर दिया, साइन चेंज कर दिया. चलो अभी ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार प्लस प्लस ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार. एक चीज याद रखना, ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार मतलब ऑपोजिट. ऑपोजिट जब भी करोगे आप तो वो कट हो जाना है, ये भी कट हो जाना है ऑपोजिट. तो बचा क्या? ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार. बुक में देखोगे ना तो ये आपको एक्सक्लूसिवली एक्सक्लूसिव और गेट मिलेगा, या उसे एक्स और गेट भी कहा जाता है.
एक्स ऑर गेट कहा जाता है इसको, डायरेक्ट डायरेक्ट बस सॉल्व करते आना चाहिए आपको। उम्मीद है समझ में आया आपको कैसे सॉल्व करना है इस लॉजिक गेट को। चलो बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके यही मोटो है इसके पीछे, ठीक है। चलो बढ़े आगे, वेरी गुड। द लॉजिक गेट कॉम्बिनेशन सर्किट शोन इन द फिगर परफॉर्म्स द लॉजिक फंक्शन इफ, लॉजिक फंक्शन ऑफ, सॉरी किसका लॉजिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये मुझे बताओ। ये गेट तो एंड है, ठीक है, और इसके साथ एक नॉट लगा हुआ है, ये भी एंड है। मुझे बताओ लॉजिक गेट कॉम्बिनेशनल सर्किट बोल रहा है, दो लॉजिक गेट्स है ना, तो ये किसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? नांड नहीं बोल सकते, क्यों पता है क्या? नांड गेट ये इनपुट्स को एक आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है। वैसे एक इनपुट अगर हो एंड गेट में तो वो ऑपरेशनल नहीं होता है, बट ऑपरेशनल नहीं होता है तो बस गेट का नाम टिक कर दो यार, एंड गेट। ऑपरेशनल नहीं होता है सिंगल इनपुट एंड गेट में, एंड गेट में और गेट में कम से कम दो इनपुट लगते हैं, दो इनपुट, याद रखना ये सेंटेंस। क्या बोला मैंने? एंड गेट और गेट में कम से कम दो इनपुट लगेंगे ही लगेंगे। यस, चलो बड़े आगे। बढ़ना आगे, थम्स अप करो जल्दी से। चलो द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स, यहां पे क्या दिया है? यहां पे दिया है आई और यहां पे दिया है वी। वी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, आई भी बढ़ रहा है, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट लाइन था, देन इसके साथ बढ़ रहा है वी के साथ। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व होता है, और मैंने बोला था ये किसमें होता है? ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है। फॉरवर्ड बायस में कौन वर्क करता है? फॉरवर्ड बायस में सिर्फ एलईडी वर्क करते हैं, एलईडी, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं ना हम लोग, तो फॉरवर्ड बायस। सबसे पहले सोलर सेल नहीं होता है, ठीक है, सोलर सेल को बायसिंग क्यों करे भाई? सोलर सेल खुद ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसे आप बैटरी लगाओगे क्या जो खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं। सिनर डायोड तो रिवर्स बायस में वर्क करता है यार, रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में वर्क करता है, बट ये है नहीं रिवर्स बायस का ग्राफ। रिवर्स बायस का ग्राफ है ही नहीं तो फोटोडायोड भी नहीं होगा। देन बचा फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी। चलो समझ में आया, मजा आया है? वीडियो को लाइक करो यार जल्दी से। चलो आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टू इनपुट्स ऑफ नांड गेट आर सॉर्टेड, द रिजल्टिंग गेट इज, दो इनपुट जो थे नांड गेट के वो शॉर्ट कर दिए गए। शॉर्ट कर दिए गए मतलब क्या किया, क्या किया? क्या किया नांड गेट होता क्या है? सबसे पहले नांड गेट होता है एंड गेट प्लस नॉट गेट, करेक्ट, ये आपका नांड गेट होता है। तो हाँ सर ये तो पता है, देन उसको शॉर्ट कर दिया गया, मतलब क्या शॉर्ट कर दिया? ऐसे इस तरीके से, ये कुल्फी जैसा होता है एंड गेट, ये आगे नॉट लगा हुआ है तो ये नांड गेट हुआ, करेक्ट। अभी मुझे बताओ इनको शॉर्ट कर दिया गया, शॉर्ट कर दिया गया इनको, तो ये क्या, ये कुछ रहा ही नहीं, ये ऐसे वर्क करने लगेगा। अरे तो ये तो नॉट गेट जैसा ही हो गया, मतलब जो इनपुट आएगा बस ये उसको चेंज करेगा, ये बाकी कोई फंक्शन नहीं करेगा, नॉट गेट हो जाएगा, नॉट गेट, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्लियर है? क्लियर होगा तो थम्स अप करो जल्दी से। चलो फिर, फॉर अ कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन अल्फा एंड बीटा हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, ठीक है, एक वोल्टेज गेन एक करंट गेन होता है। द इनकरेक्ट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इज, क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, इनकरेक्ट रिलेशन, अगर करेक्ट सॉरी
इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछ लेता तो काम हो जाता, करेक्ट रिलेशन हमें पता होता है। तो पहले करेक्ट कैसे निकालना है वो बता देता हूं आपको। ट्रिक है सिंपल, जितने कम फॉर्मूले रट्टा मार सकते हो उतने कम रट्टा मारो, क्योंकि आपको मैथ्स में फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी है। तो याद रखो अभी कैसे करना है, एक स्कीम होता है ईबीसी, तो याद रखो ईबीसी में आई इज इक्वल टू होगा आई बी प्लस आई सी, वेयर आई इज इमीटर करंट, आई बी इज बेस करंट एंड आई सी इज कलेक्टर करंट। ठीक है, अभी इसे क्या किया जाएगा, इसे आई सी से डिवाइड कर दो, इसे आई सी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय आई सी, तो ये हो जाएगा आई ई बाय आई सी, आई बी बाय आई सी प्लस वन। अभी कल मैंने आपको ट्रिक बताया था बीटा और अल्फा का फॉर्मूला याद रखने के लिए, ऊपर आई सी इधर भी आई सी, इधर आई ई और इधर बीटा के लिए बी आई बी, तो ये क्या हो जाएगा आई ई बाय आई सी वन बाय अल्फा, ये वन बाय बीटा प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वन बाय अल्फा इज इक्वल टू वन बाय अल्फा इक्वल टू वन बाय बीटा प्लस वन, इधर दिख रहा है मतलब ये रिलेशन करेक्ट है, ऑप्शन सही नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वन प्लस बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस बीटा, ये भी करेक्ट है। अच्छा अच्छा, अभी यहां से ना ये वन बाय बीटा अगर निकालना है मुझे, लास्ट वाला रिलेशन देखो, वन बाय बीटा क्या हो जाएगा वन बाय अल्फा माइनस वन, ये भी करेक्ट है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, क्योंकि वो इनकरेक्ट रिलेशन है दिख रहा है, यहां पर प्लस आना चाहिए था माइनस दे रहा है। समझा कैसे सॉल्व करना है उल्टे क्वेश्चन को भी। चलो बड़े आगे, चलो फॉर इमिशन ऑफ लाइट लाइट इमिटिंग डायोड इज, लाइट इमिटिंग डायोड क्या किया जाता है, ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस, नहीं एलईडी फॉरवर्ड बायस में वर्क किया जाता है हर बार, यूज इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स, नहीं यार दोनों में नहीं वर्क करता है, नेवर यूज इन फॉरवर्ड और रिवर्स, दोनों में से नहीं तो कैसे होगा भाई, दोनों में से कुछ तो चाहिए ना, सेमी कंडक्टर कैसे कहोगे फिर डायोड, ऑलवेज यूज इन फॉरवर्ड बायस, बाद में पढ़ा पहले टिक किया क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करता चला गया था एक एक ऑप्शन पढ़ के। खुद पे कॉन्फिडेंस हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, पढ़ाई अच्छी हो, आपको फॉर्मूलाज वगैरह पता हो सब, इस क्वेश्चन में तो नहीं, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आंख बंद करके जा सकते हो, 100% बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलो बड़े आगे। क्या बोला है देखो अभी, हाँ कोई मिस नहीं हुआ, एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा इस कॉम्बिनेशन के लिए, हम बनाएंगे फिर ऑप्शन देखेंगे, इजी जाएगा। और गेट कौन सा है, ये तो नॉट गेट है, ये एंड गेट है, ये भी एंड गेट है, ये नॉट गेट है और ये और गेट है, बस ए इनपुट था, ए का नॉट में ए बार हो जाएगा, बी आ रहा है इधर से, एंड गेट में ये हो जाएगा आपका ए बार डॉट बी, ठीक है, ये इनपुट इधर जाएगा, देन दूसरा ए इधर आ रहा है, इधर बी बार हो रहा है, ये हो जाएगा ए डॉट बी बार विच इज गोइंग हेयर, और ये और गेट है, और गेट है मतलब ए बार डॉट बी ऊपर वाला इनपुट प्लस ए डॉट बी बार, ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी प्लस ए बी बार, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, समझ में आया कैसे किया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा मुझे, 20 seconds लगे हार्डली, इसलिए बोला था कल ही लॉजिक गेट जो होता है बुलियन एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, मुझे 20 seconds लगे वो भी क्योंकि आपको समझाना पड़ा, और फास्ट कर सकते हो आप लोग अगर आपको पता है सारी चीजें तो।
चलो बड़े आगे। यस वेरी गुड वेरी गुड। चलो बढ़ते आगे। अभी द लॉजिकल द डिजिटल लॉजिक सर्किट इज एज शोन इन फिगर द बुलियन एक्सप्रेशन। इसका भी बुलियन एक्सप्रेशन देखो, अभी मुझे नहीं पता क्या है, मैं अभी फास्ट सॉल्व करूंगा, देखेंगे कितने टाइम में लगता है। ठीक है टाइम देख लेना। ये ए था तो ये इधर ए बार जाएगा, ये दिख नहीं रहा है भाई अभी। ये बी है, ये सी है, ये नॉर गेट है। नॉर गेट है मतलब ये बी प्लस सी का बार आएगा और ये हो जाएगा ए बार डॉट बी प्लस सी का बार, ए बार डॉट बी प्लस सी का बार। हार्डली 10 to 15 seconds। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देखो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। ठीक है वो दिख नहीं रहा है क्लियरली क्योंकि वो बुक से फोटो लिया है ना क्रॉप करके, इसलिए। बड़े आगे। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन केस ऑफ कॉन्स्टेंट सल्फा एंड बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर क्या होता है ये तो कल देखा था शॉर्ट में। ट्रांजिस्टर में होता क्या है पता है, अल्फा का वैल्यू लेस देन वन होता है और बीटा का वैल्यू ग्रेटर देन वन होता है। डायरेक्ट है क्यों बताता हूं। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। मान लो आई ई 100% है तो आई बी अप्रोक्सीमेटली 10% होता है और आई सी अप्रोक्सीमेटली 90% करंट लेता है। ये वैल्यूज याद रखना, डायरेक्ट वैल्यूज भी अप्रोक्सीमेट करके पूछे जा सकते हैं। अल्फा मतलब क्या होता है, अल्फा मतलब आई सी डिवाइडेड बाय आई ई, देन बीटा होता है आई सी डिवाइडेड बाय आई बी। क्लियर है क्या मुझे बताओ। यहाँ पे 90 डिवाइडेड बाय 100 तो ये कितना 0.9, मतलब अल्फा इज लेस देन 1 और IC कितना है, IC है 90 और IB कितना है 10, तो ये ऑलमोस्ट 9 हो गया which is greater than 1। तो यहाँ इसीलिए बोला जाता है अल्फा इज लेस देन 1 बीटा इज ग्रेटर देन 1, अल्फा इज लेस देन 1 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1। चलो समझ में आया क्या, विद प्रूफ बता दिया कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का। इमिटर हेवी डोप्ड होता है, उससे जो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं वो करंट पास कराते हैं। बेस बहुत लाइटली डोप्ड होता है, उसका थिकनेस भी बहुत कम होता है, इसलिए वो 10% ही करंट ले पाता है। कलेक्टर, कलेक्टर करंट, कलेक्टर क्या है, साइज बड़ा होता है, मीडियम डोप्ड होता है, जगह है मेजोरिटी कैरियर्स आने देने के लिए, इसीलिए 90% करंट लेता है। क्लियर हुआ क्या भाई। यस यस शाइस्ता तड़वी, यस यस थैंक यू। चलो बड़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, द जीनर वोल्टेज डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ डोपिंग। जीनर वोल्टेज डोपिंग पे डिपेंड नहीं करता है ऐसे बोल रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। जीनर वोल्टेज डोपिंग के अमाउंट पे डिपेंड करता है तो ये गलत है। फॉर हेविली डोप्ड जीनर डायोड द ब्रेकडाउन ऑकर्स एट द लोअर रिवर्स वोल्टेज, नहीं, हेवी डोप्ड जीनर डायोड के लिए ब्रेकडाउन वोल्टेज हाईर होता है, गलत। फॉर अ हेवी डोप्ड जीनर डायोड द ब्रेकडाउन ऑकर्स एट हाई रिवर्स वोल्टेज, हाँ, लेकिन अ लाइटली डोप्ड जीनर डायोड एज अ लोअर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये भी सही है, ये करेक्ट है। सी और डी लगभग लगभग लगता है, लेकिन हेवीली डोप्ड, हेवी डोपिंग नहीं करते ना जीनर डायोड में ज्यादा, हेवी डोपिंग नहीं करते जीनर डायोड में ज्यादा। क्लियर है क्या, कोई डाउट है यहां तक। बड़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर रिपल इज मोर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। रिपल इज मोर देन हाफ वेव रेक्टिफायर, हाँ ये करेक्ट है। रिपल मतलब क्या, रेक्टिफिकेशन जो होता है ना, रेक्टिफिकेशन होने के बाद। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या, सिंपली मान लो ये फुल वेव रेक्टिफायर था, ऐसा आपका इनपुट था,
तो ये रेक्टिफाई होने के बाद ऐसे कन्वर्ट हो रहा था, देखो हो रहा था, तो रिपल्स फुल वेव रेक्टिफायर में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। आगे क्या था, इफिशियंसी इज लोअर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, नहीं ना, फुल वेव का इफिशियंसी ज्यादा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर से भी ज्यादा होता है। देन अ स्मॉलर रिपल मींस द रेक्टिफायर इज मोर इफेक्टिव, अ स्मॉलर रिपल मींस द रेक्टिफायर इज लेस इफेक्टिव। क्या होगा, क्या होगा, अच्छा यहाँ पे ये मोर करेक्ट दिख रहा है मुझे, स्मॉलर रिपल मीन्स रेक्टिफायर इज मोर इफेक्टिव। स्मॉलर रिपल मतलब क्या, ऐसे अगर दिखने लग जाए तो ये ऑलमोस्ट प्योर डीसी बन रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन सी लग रहा है मुझे, ठीक है, स्मॉलर रिपल मीन्स द रेक्टिफायर इज मोर इफेक्टिव। इसलिए क्वेश्चन का आंसर मैंने टिक करने के बाद भी वापस ऑप्शन पढ़े, बड़े आगे। अच्छा एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज दैट, अच्छा अभी एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर पूछा है, इफिशियंसी इज हायर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, यस करेक्ट, फुल वेव रेक्टिफायर का इफिशियंसी हाफ वेव रेक्टिफायर से ज्यादा होता है, इफिशियंसी इज लोअर नहीं, ए रेक्टिफिकेशन टेक्स प्लेस ओनली हाफ साइकिल, नहीं दोनों साइकिल्स में फुल वेव रेक्टिफायर में रेक्टिफिकेशन होता है, द रिपल हायर देन दैट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, नहीं। चलो क्लियर है क्या, रिपल्स है ना, यहाँ पे आपको समझाता हूं, कोई तो कॉमेंट में पूछ रहा था रिपल इज मोर देन इन हाफ वेव रेक्टिफायर, नहीं, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसे होता है ना, तो इसमें देखो ये वैल्यू बड़ा बड़ा कम हुआ जीरो, देन वापस बड़ा वापस कम हुआ जीरो, इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है ना, इसीलिए रिपल्स जो है ना फुल वेव रेक्टिफायर में कम है, हाफ वेव रेक्टिफायर में ही ज्यादा है, रिपल्स हाफ वेव रेक्टिफायर में ही ज्यादा है, याद रहेगा। क्लियर हुआ क्या, अरे क्लियर हुआ, क्लियर हुआ होगा तो थम्स अप करो जल्दी से, आगे बढ़ते फिर हम लोग। चलो द आउटपुट, भाई लॉजिक गेट ही नहीं दिया है, द आउटपुट वाई ऑफ लॉजिक गेट एज शोन इन फिगर, लॉजिक गेट ही नहीं दिया है, चलो लॉजिक गेट ड्रॉ करते हैं, मेरे पास पीडीएफ है बुक का, लॉजिक गेट ड्रॉ करना पड़ेगा यार, ठीक है कर लेंगे कोई बात नहीं। चलो ध्यान दो अभी, ठीक है बना लिया मैंने डायग्राम लॉजिक गेट का, चलो अभी रेड पेन से ब्लू पेन से लिखूंगा, मतलब वो हमारे आंसर्स वाला रहेगा। ए इधर ये नॉट गेट था, ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है, ये एंड गेट है और ये नॉर गेट है, याद रखना ये क्या है, नॉर गेट, और इसका आउटपुट वाई है जो कि आपको उसका इक्वेशन चाहिए, ठीक है मुझे बताओ, ये ए था, इधर ए बार जाएगा, इधर बी जाएगा, ये सी था तो इधर ये सी बार जाएगा, सी बार जाएगा, नॉर गेट है, नॉर मतलब प्लस तो आएगा, उसके साथ सी बार जा रहा है और पूरे का बार देना पड़ेगा, कैसे समझा सर, नॉर है ना, देखो ए ए बार बी जा रहा है तो ए बार डॉट बी हो जाएगा ये, तो ये ए बार डॉट बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी बार और वोल बार, वोल बार तो दिख नहीं रहा है ऑप्शन में, तो ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, सिंप्लीफाई करते जाओ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ये बार ये डॉट हो जाएगा और ये सी आ जाएगा, क्योंकि सी बार का बार सी होता है, इसीलिए सिंप्लीफाई करके लिखो इधर, अच्छा ए बार डॉट बी का होल बार डॉट सी, अच्छा ये भी ऑप्शन में अभी तक तो कोई नहीं मिल रहा है मुझे, चलो वापस लाइन ब्रेक करो, ए बार बार प्लस बी डॉट सी, ये हो जाएगा ए बार प्लस, ये बी बार आएगा यहां पे, ए प्लस बी बार डॉट सी, ए प्लस बी बार डॉट सी, ए प्लस बी बार डॉट सी, ऑप्शन देखो कौन सा मिल रहा है, ए बार बार डॉट बी प्लस सी, अच्छा डायग्राम में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है
यही डायग्राम है क्या? हाँ डायग्राम तो यही है। अच्छा ये यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ है, करेक्ट, ये पूरा का पूरा इससे बाहर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इधर ही आ चुका था यार हमारा, इधर ही ऑप्शन सी आ चुका था हमारा, इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। चलो क्लियर हुआ, बड़े आगे। द कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एसी करंट गेन, ट्रांजिस्टर एसी करंट गेन ऑफ अ कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन इज, कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन ऑफ अ ट्रांजिस्टर एसी कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, कोई बताएगा, कोई बताएगा? इसके लिए वैल्यू याद रखना है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर के लिए बीटा का वैल्यू होता है 0.96। और उसने क्या पूछा है, एसी करंट गेन, करंट गेन मतलब क्या होता है भाई, करंट गेन मतलब होता है अल्फा, 30 सेकेंड्स लगेंगे हार्डली, बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस बीटा, रिलेशन अभी हमने निकाला था 0.96, 1 माइनस 0.96, 0.96 बचा, 1 माइनस 0.96 मतलब 0.04, पॉइंट पॉइंट कैंसल, 96 डिवाइडेड बाय 4, सो इट विल बी 24, 4 जा 96, 24 इज योर करेक्ट आंसर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी, अगर पढ़ाई हो चुकी है तो, ये पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अल्फा मतलब होता है करंट गेन और बाकी चीजें आपके। क्लियर क्या? यस, चलो समझ में आया है, वीडियो को लाइक करो यार, जितने लाइव है उतने भी बच्चे लाइक नहीं कर रहे। चलो, विच लॉजिक गेट हैज द फॉलोइंग ट्रुथ टेबल, ये कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें ऐसा ट्रुथ टेबल मिलता है, चेक करना पड़ेगा। और गेट में दोनों जीरो है तो वन नहीं मिलता है कभी भी, कभी नहीं मिलता है भाई। देन आगे बढ़ते, नॉर गेट में 000 होता है तो 1 आना चाहिए, ठीक है यहां तक सही है, 011 आता है 0 आना चाहिए, नॉर गेट भी नहीं है। ओरली सॉल्व होते क्वेश्चंस, कैसे ओरली सॉल्व होते, क्लियर? चलो एंड गेट देखते हैं, एंड गेट में क्या होता है, 00 एंड गेट में 000 होता है तो ये भी नहीं आएगा, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हो गया। नांड गेट चेक करो, नांड गेट में 000 होता है 1 आना चाहिए आ गया, 010 होता है 1 आना चाहिए आ गया, 100 होता है 1 आना चाहिए आ गया, 111 होता है 0 आना चाहिए आ गया। चलो क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया, बड़े आगे। चलो, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द कलेक्टर करंट इज 9 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट कितना है 9 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट क्या होता है, आईसी, आईसी कितना है 9 मिली एम्पियर, ठीक है 9 मिली एम्पियर। इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इमिटर रीच द कलेक्शन, ठीक है सर, अल्फा इज बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा है ना, हाँ। चलो देखो, आईसी इज इक्वल टू 9 मिली एम्पियर और पूछा इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इमिटर रीच द कलेक्टर, कलेक्टर में रीच कर रहा है इसका मतलब क्या पता है क्या, जो IC है ना वो 90% है IE के, मतलब IC इज इक्वल टू 9/10 ऑफ IE, 90/100 कर देना, 9/10 आता है, मतलब आप और बोल सकते हो IC इज इक्वल टू 0.9 IE। क्या पूछा है आगे, इफ एनपी 90% देन अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछ रहा है,
अरे यार अल्फा और बीटा का वैल्यू पूछ रहा है। अल्फा क्या होता है? अल्फा पता है हमें, अल्फा आईसी डिवाइडेड बाय आईई होता है। आईसी कितना है? आईसी 0.9 टाइम्स आईई है डिवाइडेड बाय आईई। आईई आईई कैंसिल, बचा क्या 0.9। अल्फा का वैल्यू 0.9, बेस करंट इज 10 मिली एम्पियर बोल रहा है। चलो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया जा रहा है अल्फा 9 बोल रहा है, नहीं है, अल्फा 0.9 है तो बीटा 9 हो जाएगा, ये हमें पता है। क्लियर क्या? क्लियर है क्या? कोई डाउट है? चलो चलो क्लियर है, बड़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। फॉर डिटेक्टिंग लाइट इंटेंसिटी वी यूज, लाइट इंटेंसिटी डिटेक्ट करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है? अच्छा एलईडी और फोटोडायोड ही ऑप्शंस में दिख रहे हैं। सबसे पहले तो एलईडी यूज ही नहीं होता लाइट लाइट डिटेक्टिंग में, एलईडी लाइट इमिटिंग होता है, तो जहां एलईडी दिख रहा है कट कर दो। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजी जाएंगे। देन फोटोडायोड इन फॉरवर्ड बायस, फोटोडायोड फॉरवर्ड बायस में वर्क ही नहीं करता है, फोटोडायोड रिवर्स बायस में वर्क करता है। कौन फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, कौन रिवर्स बायस में वर्क करता है, ये चीजें याद रखना बहुत जरूरी होती है। चलो बड़े आगे। चलो बड़े आगे। क्लियर है? सर मेरी पूरी फैमिली आपका लेक्चर देख रहा है। अरे वेरी गुड, सौभाग्य है हमारा आपकी फैमिली लेक्चर देख रही है, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। To get an output y equals to 1 from the circuit shown below, the correct choice for the input is y कितना चाहिए? 1 चाहिए। तो correct choice क्या होगा input का? ऐसे solve नहीं होगा, ये भी options check करना पड़ेंगे। अभी यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C है शायद से। Yes, ये A, B और C है। ठीक है, एक एक option check करते हैं। A कितना है? अच्छा ये gate कौन सा है? ये OR gate है और ये AND gate है। ठीक है, fast solve करूँगा, देखना आप भी 30 क्वेश्चंस 30 सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। ये 0, ये 1, ये 1, 0 1 का OR गेट में 1 होता है, ये 1 आया। अरे यार ये क्या बात है यार, पहले ही इसमें ऑप्शन मिल गया, 10 सेकंड में ही हो गया। अच्छा बाकी ऑप्शंस ट्राई करके देख लेना, नहीं मिलेगा 1 आपको। ठीक है, नहीं मिलेगा आपको 1 बाकी ऑप्शंस में, क्योंकि पहले ही ऑप्शन में मुझे कॉन्फिडेंस है ये मिल गया है, गेट मैंने करेक्ट सॉल्व किया है। क्लियर? चलो बड़े आगे। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोला है? इन अ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर द सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 किलो ओम इज 4 वोल्ट। 2 किलो ओम के अक्रॉस 4 वोल्ट है। भाई ये 2 किलो ओम है किसके? कलेक्टर के अक्रॉस। तो 2 किलो ओम, किलो मतलब होता है 1000, तो ये हो गया 2000 ओम, करेक्ट? देन इफ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज 100, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब होता है अल्फा, विच इज 100, द बेस रेजिस्टेंस इज 1 किलो वैट। बेस रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस है आरबी, कितना है 1000 ओम हो गया ये। देन द इनपुट सिग्नल वोल्टेज इज, इनपुट सिग्नल वोल्टेज कितना है? इनपुट सिग्नल वोल्टेज वी इनपुट कैसे निकालेंगे अभी बताओ, ये बहुत टाइम बाद क्वेश्चन अच्छा आया है, बहुत टाइम के बाद क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, बताएगा कोई? देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 4 वोल्ट जो दिया है ना,
वो आपको क्या दिया है, कलेक्टर कॉमन एमिटर का सिग्नल वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज दिया है, सिग्नल वोल्टेज, सिग्नल वोल्टेज मतलब वीओ कहते हैं हम लोग, जो कि है 4 वोल्ट। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला पता है हमें, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला पता है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से वोल्टेज गेन का फॉर्मूला। ए इज इक्वल टू, कॉमेंट चेक कर रहा हूं, वोल्टेज गेन का फॉर्मूला बताइए। इट इज बीटा आर सी डिवाइडेड बाय आर बी। नहीं पता ये फॉर्मूला, बुक में डायरेक्ट दिया है, चलो चलो जस्ट सॉरी, यहां पे करंट गेन एम्पलीफिकेशन फैक्टर फॉर ट्रांजिस्टर, ये बीटा था ठीक है, जिसे हम अल्फा बोल चुके थे। तो ये ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा 100, आरसी कितना है 2000 डिवाइडेड बाय आरबी कितना है 1000। ध्यान दो ये 0000 कैंसिल, ये 2 हो गया, ए का वैल्यू कितना मिला आपको 200 मिला ए का वैल्यू। ए क्यों निकालना पड़ा पता है, ए क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि ए का वैल्यू होता है वीओ डिवाइडेड बाय वीआई, और हमें चाहिए वीआई विच इज वीओ डिवाइडेड बाय ए। वीओ कितना है, वीओ वीओ है 4 वोल्ट, 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय ए 200। क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई बताएगा। देखो सबसे पहले तो 4 × 4 = 4, 10 = 20, 30 = 40 = 50, 1/50 कितना आया ये 1/50 कोई ऑप्शन में मिल रहा है क्या भाई, वोल्टेज मिली वोल्ट दिख रहा है, मिली वोल्ट। 1/50 को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/50 को लिखा जा सकता है 0.02 मतलब 20 मिली वोल्ट। समझ में आया, क्लियर हो गया, चलो बड़े आगे, मजा आ रहा है तो थम्स अप करो जल्दी से। चलो लॉजिक गेट, हर 2-4 क्वेश्चन के बाद लॉजिक गेट आ रहा है, इससे आप समझ लीजिएगा इसका इंपॉर्टेंस कितना है। ओके मिस्टर राइटर थैंक यू, मुझे पता ही नहीं था भाई हाथ से सॉल्व करना है, क्या बात है, तालियां बजाएं यार मिस्टर राइटर के लिए, बहुत अच्छी बात कही, हाथ से सॉल्व करेंगे बोल रहे क्वेश्चंस, वेरी गुड, आपके पास दिमाग तो है नहीं तो हाथ से ही सॉल्व हो जाएगा यार। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ट्रूथ टेबल कॉन्फिगरेशन शोन बिलो, कौन सा ट्रूथ टेबल करेक्ट कॉन्फिगरेशन बताएगा। अभी हर एक इसमें दो दो इनपुट दिए जा रहे हैं, ये गेट कौन सा है भाई, मेरा ये एंड गेट है और ये सिर्फ नॉट गेट है, तो ध्यान देना एंड गेट और आगे नॉट गेट लगाए मतलब नांड गेट का कॉन्फिगरेशन, सिंपल। तो जो नांड गेट का ट्रूथ टेबल रहेगा वही मेरा आंसर रहेगा। 1-1 का 1 आता है बट उल्टा होके 0 होगा, 1-1 का 0 दे रहा है इसमें, 1-1 का 0 इसमें नहीं दे रहा है, 1-1 का 0 इसमें भी नहीं दे रहा है, तो बी और सी ऑप्शन तो पहले ही कट हो गए। देन 1-0 का 0 आता है बट 1 आना चाहिए, 1-0 का 0 आता है 1 आना चाहिए, 1-0 का 0 आता है 1 आना चाहिए, ए और डी अभी है रेस में। देन 0-1 का भी 0 आता है 1 आना चाहिए, 0-1 का 0 आता है 1 आना चाहिए, नहीं आ रहा है, 0-1 का 0 आना चाहिए 1 आता है, आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ, लॉजिक गेट के क्वेश्चन सीएस में भी है, यस है, मिस्टर राइटर बोल रहे हैं सर गलती से आपने सही बोल दिया, मेरे पास दिमाग नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, अ ट्रांजिस्टर हैज एन अल्फा दिया है 0.95, ओके, इट हैज चेंज इन इमीटर करंट, इमीटर करंट मतलब आईई दे रखा है 100 मिली एम्पियर, और क्या पूछा है, चेंज इन कलेक्टर करंट आईसी पूछा है,
अरे भाई हमें फॉर्मूला पता है ना, अल्फा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय आई ई, आई सी चाहिए तो अल्फा इंटू आई ई, अल्फा कितना 0.95 इंटू आई ई कितना 100, तो इट विल बी 95 मिली एम्पियर मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. चलो क्लियर है क्या, क्लियर है? बड़े आगे When the Zener diode is used as a voltage regulator, it is connected. Zener diode voltage regulator में जब भी लगाया जाता है तो वो कैसे लगाया जाता है? Forward biased and in series with load? नहीं, Zener diode सबसे पहले forward biased नहीं होता है, reverse bias में work करता है. Forward bias के options पहले ही हटा दो. Reverse bias in series? नहीं, series ही नहीं होता है, parallel होता है, इसलिए option D, reverse bias and with parallel with the load. पैरेलल होता है लोड के साथ. क्लियर? बड़े आगे. चलो क्या बोला है, इन द गिवन सर्किट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ओम एंड 6 ओम, 3 ओम, ये 3 ओम है एंड 6 ओम रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली विल बी, कितना होगा रेजिस्टेंस 3 ओम और 6 ओम से? सबसे पहली बात ध्यान दो. सबसे पहली बात तो D1 क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो D1 फॉरवर्ड बायस है और D2 रिवर्स बायस है. D1 फॉरवर्ड बायस है, D2 रिवर्स बायस है. भाई फॉरवर्ड बायस कंडक्ट करवाता है, रिवर्स बायस कंडक्ट नहीं करवाता. तो जब उसने बोला है 6 ओम, तो 6 ओम से करंट ही फ्लो नहीं होगा, तो जिसमें 6 ओम के लिए 0 है वो ऑप्शंस होंगे अभी रेस में, ये ऑप्शंस खत्म आएंगे नहीं. देन बचा अभी 3 ओम से करंट, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय R, भाई V है 9 और R है 3, सो इट विल बी 3 एम्पियर. 3 एम्पियर मतलब मेरा ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. क्लियर हुआ क्या भाई? बोलते बोलते हमने सेमीकंडक्टर्स के 2023 के कल क्या और आज के लेक्चर में पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए, बस 2 बचे अभी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा यार. और आप इसीलिए बोलता हूं बने रहिए. देखो आप सपोर्ट कर रहे हो, बने रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं तो और मोटिवेशन मिलता है. पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए सेमीकंडक्टर के, ऑलमोस्ट ये कितने नंबर का है, 39-40 कुछ तो क्वेश्चन है. इन अ ट्रांजिस्टर आईई आईबी आईसीबी द इमिटर बेस कलेक्टर करंट, देन देखो ये बताया ना मैंने, आईई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी होता है. ये 100%, ये 10%, ये 90%, ऑलमोस्ट मतलब अप्रोक्सीमेटली. आईबी ग्रेटर देन आईसी नहीं, आईबी ग्रेटर देन आईई नहीं, आईसी ग्रेटर देन आईई नहीं, आईई ग्रेटर देन आईसी करेक्ट. ऑप्शन नंबर डी. क्लियर क्या? क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर. चलो भाई आखिरी क्वेश्चन है क्या ये? हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है यार, लॉजिक गेट पर ही ये क्वेश्चन. चलो Which is the correct truth table for the following circuit? भाई सर्किट किधर है? सर्किट ही नहीं दिख रहा है, सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा यार, सर्किट ड्रॉ करना, कर लेते हैं ड्रॉ, कोई बात नहीं है. क्वेश्चन में क्या है और सर्किट में ये नॉट,
चलो कुछ नहीं करना है, नांड गेट है, देन नांड गेट के बाद ये और गेट है और ये वापस से नांड गेट है। एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है और 1010 ऐसे ही मिल रहे हैं ना, तो पहले 11 वाला चेक कर लेते हैं। इसे 1 लेते हैं, इसे भी 1 लेते हैं, तो ये 1 आगे जाएगा, ये 1 आगे जाएगा, ये 1 ये भी 1। चलो 11 का एंड गेट में 1 होता है बट नांड की वजह से 0 हो जाएगा, देन 11 का और गेट में 1 होता है, 01 का नांड गेट में एंड गेट में 0 होता है, नांड गेट की वजह से 1 आएगा। मतलब जब आप इनपुट 11 ले रहे हो तो आउटपुट 1 मिलना चाहिए, 11 का 1 मिल रहा है, 11 का 0 नहीं, ये क्यू वाला कट, 11 का 0 नहीं, 11 का 1। चलो अभी तक बना हुआ है, अभी क्या करना है पता है क्या, ये 1 है ये 0 है, ये 1 है ये 0 है, एक में 1 दिया है एक में 0 दिया है, तो यही ऑप्शन लेकर चेक करो, सेकंड इसमें ही आंसर मिल जाएगा, सेकंड इसमें ही आंसर मिल जाएगा, देख लेते। ओ भाई ठीक है कोई बात नहीं, मतलब क्या लेना है अभी पता चला क्या, ए का 1 लेना है, बी का 0 लेना है, ए का 1 लेना है, बी का 0 लेना है, बी का 0 मतलब ये 0 ये 1 ये 1 ये 0, 10 का एंड गेट में 0 होता है, नांड की वजह से 1 हो जाएगा, 10 का और गेट में 1 आता है, 11 का नांड एंड गेट में 1 होता है बट नांड की वजह से 0, तो 10 का 0 इसमें नहीं दिया है, इसमें दिया है, इसीलिए पी पी मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ, समझा क्या? यस ए इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो समझ में आया है क्या? इसी के साथ हमने सेमीकंडक्टर्स के 2023 में जितने 39 क्वेश्चंस आ रखे थे सारे के सारे सॉल्व कर चुके हम लोग क्वेश्चंस। अभी वीडियो को लाइक करना बनता है, शेयर करना बनता है। क्लियर हुआ क्या, कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो मजा आया है तो थम्स अप करो जल्दी से। चलो तो इसी के साथ मैं सत्यम सर मिलेंगे, विदा लेता हूं, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए भाई, लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से, नहीं तो लेक्चर खत्म हो चुका है। पीसीबी का पेपर कभी आए, 22 अप्रैल से पीसीबी के पेपर है और पीसीएम के 2 मई से है। चलो और किसी के कोई जेन्युइन डाउट्स तो लग नहीं रहे भाई।